इंडिया मजबूत है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब बंगलुरु में बैठक हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठक हुआ, जब मुंबई में बैठक हो रही है तो फिर बैठक हुआ, ये इस बात का प्रमाण है। सब कुछ कोई उनका नुस्खा और जुमला अब नहीं चलेगा, लोग जान चुके हैं ये जुमलेबाजों की सरकार है। चुनाव के पहले जुमला, चुनाव के पहले वादा और चुनाव के बाद जुमला। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, 200 रुपये कम किया गया है LPG यानी कि घरेलू गैस के दामों में 200 रुपया कम किया गया है, जिसके ऊपर ललन सिंह का जोरदार जो है हमला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया बना है तब से बेचैन है, बेचैनी इस तरीके की है कि जब बेंगलोर में हम बैठक करते हैं तो वो दिल्ली में बैठक करते हैं, और जब हम महाराष्ट्र में बैठक कर रहे हैं तो वो भी महाराष्ट्र में बैठक कर रहे हैं, बेचैनी यहाँ से दिखता है। किस तरीके से हमला किया है ललन सिंह ने, यह पूरा बयान उतार देना है। इंडिया कितना मजबूत हो रहा है, लालू यादव के बयान को किस तरह देखते हैं? तो लालू जी बयान दिए, हम तो दिए नहीं, तो लालू जी ने क्या समझ के बयान दिया है? लालू जी से ना प्रतिक्रिया पूछिएगा, इंडिया हमसे प्रतिक्रिया पूछिएगा। इंडिया मजबूत है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब बंगलुरु में बैठक हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठक बुला रहे, जब मुंबई में बैठक हो रही है तो फिर बैठक बुला रहे, ये इस बात का प्रमाण है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद वो हताश हैं, घबराहट में हैं, परेशान हैं, उनको जनता का मूड पता चल चुका। पूरी तैयारी हो रही है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुंबई की बैठक में सर क्या कुछ? मुंबई की बैठक में तो मुंबई में ना होगा, मुंबई की बैठक का पहले का आपको काम मालूम, तो मुंबई में जब बैठक होगी तब ना मालूम होगा कि बैठक में क्या हो रही है। सुशील मोदी ने कहा है कि मुस्लिम लोगों के तुष्टिकरण किया जा रहा है छुट्टी को लेकर, जिस तरह कटौती की। हम लोग कोई तुष्टिकरण की राजनीति करते ही नहीं, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारा संविधान भी यही कहता है। सुशील मोदी जी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, सुशील मोदी जी कि पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं वो पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, वो पार्टी गरीब गुरुआ की विरोधी पार्टी, वह पार्टी जो पूंजीपति हैं उनके पोषक हैं, पूंजीपति पूंजीपतियों को पोषने का काम करती है। अब आप एक बात बताइए ना, सुशील मोदी जी का अखबार में हम बयान आज देखे, जातीय जनगणना पर बड़ा अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अरे जातीय गणना जो है, अब वैसा इनका क्या जवाब है बताइए? जो केंद्र की सरकार कैसी सरकार है जो दिन में कुछ एफिडेविट करता है और शाम में कुछ एफिडेविट करता है, मैंने सुबह का एफिडेविट शाम में बदल देते हैं, और उस पर भी सुशील मोदी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अब तो साफ हो गया ना कि हम लोग जातीय गणना के पक्षधर हैं। अरे कहा है कि आप जातीय गणना के पक्षधर हैं? जो शाम में भी आपने एफिडेविट किया है उसमें यह लिखा है कि सिर्फ केंद्र की सरकार को जातीय जनगणना कराने का, जनगणना कराने का अधिकार है। अब जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को, जिस पार्टी की केंद्र की सरकार को जनगणना, जातीय गणना और सर्वे, इस तीन चीज में अंतर ही पता नहीं है, उसकी क्या बात करिएगा? उनका पर्दाफाश हो चुका है, उनका पोल खुल चुका है, मजिस्ट्रेट चेकिंग में बुरी तरह पकड़ा चुके हैं, लेकिन सुशील मोदी जी का समय पूरा हो रहा है। अब सुशील मोदी जी के प्रति पहले भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों की शुभकामना है, वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मित्र हैं,
बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं। सुशील मोदी जी पहले बयान दे चुके हैं कि भाई नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मटेरियल है। सुशील मोदी जी कह चुके हैं कि एक मोदी यहाँ है ये है तो दूसरा मोदी का क्या जरूरत है। ये सब बात वो बोल चुके हैं, इसलिए उनको खतरा महसूस होता है। लेकिन हम लोग की शुभकामना है कि इस सब के बावजूद उनको कुछ भेटा जाए, मिल जाए। कम से कम बीजेपी में वही एक आदमी है जो कुछ 2% 4% जिनको ज्ञान है, लेकिन यह भी ज्ञान उनको नहीं है। एफिडेविट पूरा पढ़ लें, शाम का एफिडेविट पढ़ लें, उसमें भी लिखा हुआ है कि केंद्र की सरकार को है। अरे तो जनगणना आप कराइए ना, कौन रोका है? जनगणना तो आप करा भी नहीं रहे। हर 11 साल में होता है जनगणना। 2011 में जनगणना हुआ था, 2022 में होना चाहिए था, तो कहां शुरू करा रहे हैं? तो जनगणना भी नहीं करा रहे हैं, हमको जातीय गणना करा रहे हैं हम। तो जनगणना, जातीय गणना और सर्वे, इसमें जब अंतर ही पता नहीं है तो उसकी बात का क्या जवाब दें? मोदी जी को उधर खतरा है सर, इधर खतरा रहेगा तो इधर आप लाएंगे। अब मोदी जी उधर से अगर मोह भंग हो जाए, तुष्टिकरण की राजनीति जो आजकल वो कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला काम जो कर रहे हैं, वो धार्मिक उन्माद वाला काम खत्म करके धर्म निरपेक्षता पर विश्वास प्रकट करेंगे, तब हम लोग उस पर विचार करेंगे। सर, केंद्र सरकार ने घरेलू गैस के दामों में 200 रुपया कम किया है, कैसे? देखिए, हम लोग पहले भी बताते रहे हैं कि जब से INDIA गठबंधन बना है तब से केंद्र की सरकार हताशा में है और घबराहट में, और उसी घबराहट का परिणाम है अभी तक उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि गैस का दाम इतना बढ़ गया है, अभी तक पता नहीं चल रहा था उनको। अभी तक उनको पता नहीं था कि गैस का दाम बढ़ गया है, और गैस का दाम चुनाव और गठबंधन के कारण जो उनको परेशानी है, जो हड़बड़ाहट में, उस हड़बड़ाहट का ये परिणाम है। अभी 200 घटा दिए हैं और जुमलाबाजी करने के तो एक्सपर्ट है वो, चुनाव हो जाएगा 600 रुपया बढ़ा देंगे। भाई गैस का सब्सिडी खत्म कर दिए ना, और गैस का सब्सिडी खत्म करने के लिए उज्ज्वला योजना चलाए, और उस उज्ज्वला योजना का 5% सिलेंडर का भी उपयोग आज गांव में नहीं हो रहा है। आज 200 रुपया घटा दिए, उससे भी गरीब लोगों को कहां से गैस का सिलेंडर खरीद पाएगा? ये 200 रुपया घटाए हैं, ये सब INDIA गठबंधन के बनने के बाद उनके हताशा का परिचायक है। ये सब कुछ कोई उनका नुस्खा और जुमला अब नहीं चलेगा। लोग जान चुके हैं कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। चुनाव के पहले जुमला, चुनाव के पहले वादा, और चुनाव के बाद जुमला। ये ना एक घबराहट है ना, आज तक NDA इतने दिनों से बना हुआ है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 से हैं, आज तक कभी NDA का बैठक बुलाए हैं? नहीं बुलाए थे। जब बंगलोर में जिस दिन NDA की INDIA की बैठक हो रही थी, उसी दिन दिल्ली में बैठक बुलाए, और दिल्ली में जो बैठक बुलाए, किसी को बोलने का भी मौका मिला? अकेले भाषण दिए, अकेले माला पहने और खत्म हो गया। तो हाँ, NDA की बैठक होती थी जब सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी NDA चलाते थे, और सदैव अडवाणी जी जब NDA उसके नेता थे बीजेपी, तब NDA की रेगुलर बैठक होती थी। और जॉस फर्नांडी साहब उसके संयोजक थे, और हर 2-3 महीने पर वो NDA के सभी साथियों से राय सलाह करते थे। इनको कुछ से क्या मतलब है राय सलाह करने से? और ये जो बैठक बुला रहे हैं NDA का, इसमें जरा जोड़ के देख लीजिए ना, नॉर्थ ईस्ट का क्या पार्टी है? कोई पार्टी है NDA में? अब है कौन NDA में? है कौन?
एनडीए की सारी पार्टियों को तो धकिया के अपमानित करके निकाल चुके। अब इनका समूचा नॉर्थ ईस्ट का जिसका कोई सांसद नहीं है कुछ नहीं, उस सबको मीटिंग भीड़ जमा करना है तो जमा करते रहे, उस सबसे कोई फर्क नहीं।